आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक ही बच्चा सवाल में दिया गया कि एक ग्लास की नली जिसकी त्रिज्या आर है एक समान है, जिसमें वाल्व दो समान सिरे को अलग कर रहा है, ठीक है। प्रारंभ में वाल्व कसी हुई पिस्टन में बंद है और सिरे एक में अर्ध गोलीय साबुन का जो बुलबुला है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है आपको बच्चों, आर दी गई है, और सिरे दो पर उप अर्ध गोलीय साबुन का बुलबुला है जो चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। तो वाल्व को तुरंत खोलने के बाद में क्या क्या होगा, हमसे ये चीज पूछी गई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपके लिए तो विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों से पता चलेगा हमसे निकलवा क्या रहा है। अ, वायु सिरे एक से दो की ओर प्रवाहित होगी, जैसे ही आप इस वाले वाल्व को खोलोगे तो वायु किधर की तरफ में जाएगी, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि वायु जो जाएगी वो कम, जिधर का जो हमारा दबाव कम होगा, दाब कम होगा, उधर की तरफ में जाएगी, तो हमें दाब पे निकालना है। साबुन के बुलबुले में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि साबुन के बुलबुले का जो आयतन है वो भी हमें देखना है अ ब स और ग में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास में ये दो पॉइंट है, यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से गोला बना हुआ है, तो यहाँ पर इसकी गोले की जो त्रिज्या मान लेते हैं वो आर वन मान लेते हैं, और यहाँ की जो त्रिज्या मान लेते हैं वो आर टू मान लेते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हो जाएगा जो हमारा दाब हो जाएगा वो ध्यान से देखिए, जो दाब आधिक्य का सूत्र होता है हमारे पास में बुलबुले के लिए, दाब आधिक्य है ना, वो कितना होता है हमारा इसके लिए, बुलबुले के लिए, बुलबुले के लिए वो होता है हमारा 4T/R, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों की दोनों समीकरण क्या क्या निकल करके आ जाएगी, एक के लिए निकल करके आ जाएगी हमारे पास में, जैसे कि डेल्टा P1 निकालू तो वो कितना निकल करके आ जाएगा, 4T/4, वहां की त्रिज्या हमने R1 मानी थी, है ना। और एक डेल्टा P2 दूसरे सिरे पर कितना निकल करके आ जाएगा, वो आ जाएगा 4T/R2। अब आपको ये भी चीज पता है, क्या चीज पता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो R1 है, देखिए ध्यान से, जो R1 है वो छोटा होगा R2 से, क्यों, क्योंकि तो ध्यान से देखिए, जो R1 जो है वो छोटा होगा R2 से, यानी कि यहाँ पर R1 जो है वो छोटा होगा किससे, R2 से। अब अगर जो R1 छोटा है R2 से तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है, तो जो डेल्टा P1 होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, डेल्टा P2 से, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कहाँ का दबाव कम है ना, कहाँ का दबाव ज्यादा है, डेल्टा P1 का, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो हमारी जो हवा है वो किधर से किधर जाएगी, वो कहाँ से कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारी जो हवा होगी वो किधर से किधर जाएगी, देखिए ध्यान से, ज्यादा वाले दाब से कम वाले दाब की तरफ, है ना। ज्यादा वाला दाब किधर है, P1 पर, है ना। यानी कि जो वायु जाएगी वो 1 से किधर की तरफ में जाएगी, 2 की तरफ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, हमारे विकल्पों में देखते हैं, तो वायु जो है वो 1 से 2 की तरफ प्रवाहित होगी, हाँ वायु 1 से 2 की तरफ प्रवाहित होगी। अ और ब में से हमारा एक सही है, ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, इन दोनों में से एक सही है, लेकिन साबुन के बुलबुले के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो हमसे इसमें बोला गया है कि सिरे एक पर साबुन के बुलबुले का आयतन घटेगा, तो जी हाँ बच्चों, ये वाला एकदम सही है। जैसे कि हम लोग त्रिज्या के अंदर देख रहे हैं, तो जो एक पर है उसका जैसे इधर से इधर वायु ऐसे करके जाएगी, तो यहाँ से जो है इधर से प्रेशर के लिए जो कम होगा, तो यहाँ पर जो है इसके जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इधर बाहर से भी प्रेशर लगेगा, तो ये थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा, तो इसकी इसका जो आयतन है वो कम हो जाएगा सिरे एक पर। तो जो हमारा सही जवाब है वो है बच्चों ब। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।